फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने का अभियान तो चलाया गया था, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही सच्चाई सामने आ रही है। जहां जगह जगह पर कूड़े के ढेर को देखा जा सकता है और लापरवाही इतनी कि कोई सुनने वाला भी नहीं। कहीं न कहीं ये नजारा प्रशासन पर तीखे सवाल छोड़ता नजर आ रहा है। अब लोगों को गंदगी से बीमारियों का डर सताने लगा है। आइए आपको सुनाते हैं कि लोगों की समस्याओं पे लोगों का क्या कहना है। सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पहले से ही गंदगी है यहाँ बहुत ज्यादा, आवारा पशु घूमते रहते हैं। क्या कोई सफाई करने नहीं आता यहाँ? ना, यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता। यहाँ कोई कोई शिकायत किसी को कही नहीं थी? कई बार कह चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। उसमें एक आध बार गाड़ी तो आई है, पर गाड़ी ला के खड़ी कर देते हैं, वो सफाई इतनी होती नहीं है। ये आपके सामने प्रूफ भी है, जो आज भी दिखाई दिया जा रहा है। हमने यहाँ मिट्टी खुद डाली है 50-60 हज़ार की सफाई के लिए, पर फिर भी ऊपर से तो कोई सफाई नहीं होती। नगर निगम वाले या MCF वाले जिसने भी करना है, कोई भी सफाई नहीं कराता, उनका कर्मचारी तो कोई आता नहीं है। लोग अभी भी कूड़ा खुले में फेंक जाते हैं, चालान काटने की बात की। हाँ, वो चालान काटते, पर ये देर सवेर शाम को है, रात को है, बाइक पे आता है कोई, अपना कोई एक्टिवा पे आता है, वो लाता है बोरी और ऐसे फेंक देते हैं। उनको हमने बताया भी है, अभी यहाँ डंपिंग स्टेशन बना हुआ है उसमें डालो, वहाँ तक भी लोग नहीं जाते हैं। अब हम कहाँ तक रखवाली करें? आवारा पशु भी खड़े रहते हैं, कई बार ये एक्सीडेंट भी हो जाते हैं पशुओं की वजह से, परेशानी तो काफ़ी आती है। अब ये प्रूफ भी पड़ा है कि अभी गंदगी है, कोई उठाता नहीं है, इनको क्या किया जाए? इसकी कभी स्थानीय निवासी जो पार्षद है उससे कोई शिकायत तो की है हमने कई बार, अपने मंत्री जी से भी की है शिकायत, और इनके भाई साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, हाँ जी, उनको बोला है, बुलाया, उनको दिखाया भी है। वो कहते हैं कराएंगे सर, वो एक आध बार भेज देते हैं फिर भूल जाते हैं। अब समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं गुस्साए लोगों ने कहा कि समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं। अब देखना होगा कि इस मामले को गंभीरता से नगर निगम कब लेती है। बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट।